नगर पालिका निगम भिलाई में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम मुख्य कार्यालय सहित समस्त जोन कार्यालय में सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की है। भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सड़क बाधा कर आवागमन अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके परिपालन में पिछले दो दिनों पर 37 से अधिक स्थानों पर कार्रवाई की गई। इसी के तहत प्रियदर्शनी परिसर के पास सड़क को बाधित कर सड़क किनारे कपड़े का व्यवसाय करने वालों को बेदखल किया गया। शॉल, स्वेटर, गमछा जैसे गर्म कपड़े के व्यवसाय करने वाले कुछ दिनों से अंडरब्रिज के पास सुबह से ही दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहे थे, जिसके कारण वहां भीड़भाड़ जमा होने से सुबह से लेकर शाम तक यातायात प्रभावित हो रहा था। वहां से गुजरने वाले लोगों को वाहन निकालने में परेशानी हो रही थी, जिसकी शिकायत लगातार रही थी। उन व्यवसायियों को पूर्व में वहां से दुकान हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं मानने पर अंततः निगम की राजस्व विभाग की टीम सुबह मौके पर पहुंची और 4-5 दुकान वालों को हटाने की कार्रवाई की तथा उन व्यवसायियों से 6,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। निगम भिलाई द्वारा लगातार अपने क्षेत्र में स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसका व्यापक असर देखने को भी मिल रहा है। पेंट पकड़ो, पेंट पकड़ो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।